एससी आयोग के अफसर आए थे यहाँ पर, क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रमों का? देखिए, ऐसे कार्यक्रमों का संदेश ये है कि अगर गांव में, शहर में, आप वहाँ हमारे समाज के 10 आदमी बैठकर इकट्ठे चाय पी लें, हुक्का पी लें, तो दूसरे लोगों के पेट में दिक्कत शुरू हो जाती है कि भाई क्या बात है, क्यों बैठे 10 आदमी अगर बैठ जाएं तो भाई क्या बात है, क्या क्या बात हुई। इन जनरल सरकार के दफ्तर में अगर 10 आदमी एक साथ एक सीट पर बैठ के चाय पी लें तो जनरल कैटेगरी के लोग पूछना शुरू कर देते हैं, भाई क्या बात है, कैसे क्या बात है, आज क्या बात है। यहाँ तो आज पूरे देश की जमात इकट्ठी हुई है, सारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस के, भारतीय रेल 3.5 लाख, स्टेट बैंक 80,000, PNT 1.5 लाख, डिफेंस 8 लाख, यहाँ तो पूरे देश के वो लोग इकट्ठा हुए हैं जो देश के 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को और सामाजिक संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत आज यहाँ पर थी। हर 15 मिनट में एक दलित पे उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, ऐसी कोई बात यहाँ हुई नहीं आयोग के अफसरों के सामने? कितने लोगों को न्याय मिला, कितने को नहीं मिला है? यहाँ तो सिर्फ प्रमोशन की बात होती है, अफसरों की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है। देखिए, आप पत्रकार होने के नाते जो बात कहें मैं उम्मीद करूँगा बड़ी जिम्मेदारी से कहें। यहाँ बात हुई है एट्रोसिटी की, यहाँ बात हुई है अत्याचार की। राष्ट्रपति के नाम पर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट एट्रोसिटी का है कि आए दिन हमारे समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, संविधान में संशोधन होने चाहिए, आरक्षण कानून बनना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, आयोग को बहुत और पावर मिलनी चाहिए। आपने देखा कि 12 पॉइंट्स जो रखे गए, जो मुद्दे थे समाज के, इवन यहाँ तक बात कही कि देश में जो रोजगार पैदा होते हैं अमेरिका के डाइवर्सिटी सिद्धांत के तहत, सभी रोजगारों में हमारे समाज को हमारी आबादी के अनुपात में काम के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि जो जमीन पर बंजर जमीन पड़ी है भारत की, उसको उपजाऊ बना करके भारत की सरकार SC ST समाज में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये नहीं कह सकते हैं कि आज यहाँ पर सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की बात हुई है। साहब, आप मानते हैं कि संविधान खतरे में है या नहीं? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया है कि संविधान खतरे में है, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने जो प्रावधान किए थे उस समय की सोच के हिसाब से, वो सोच में आज परिवर्तन आ रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जैसे उन्होंने सरकारी क्षेत्र में सरकार की नौकरी में 22.5% का आरक्षण किया था, सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया तो आरक्षण बेमान्य हो गया। अब जरूरत इस बात की है कि संविधान में जब तक संशोधन ना हो, जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था ना हो, तब तक ये जो बाबा साहब का दिया आरक्षण है बेमान्य होते जा रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहूँगा कि पिछले 35 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, विशेष रूप से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ, पूरे देश की अगर क्रीम है, माननीय काशीराम जी ने जब बाम से बनाया था DS4 बनाया था तो इन्हीं SC ST समाज के अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया था और इनकी मदद से DS4 बना था, उसके बाद बामसेप बना और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। तो यही समाज की क्रीम है SC ST, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं ये समाज की बैकबोन है और आने वाले समय में इस बैकबोन को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और सरकार का एजेंडा SC ST के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, सरकार SC ST समाज के खिलाफ पूरी तरीके से काम कर रही है। निश्चित रूप से मैंने आज इशारा किया है कि 97 में जो लोग आज यहाँ बैठे थे, लाखों लोगों को लाने वाले यही लोग थे। आज ये आह्वान हुआ है, इवन आयोग के चेयरमैन ने भी कहा कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आंदोलन नहीं करते, करना चाहिए। तो उनका भी मैं कहूँगा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन रहा है और आज हमने तय किया है कि बहुत जल्दी दिल्ली की धरती पर एक बड़ा आंदोलन, हम सरकार की आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ, सरकार की SC ST जो विरोधी नीतियाँ उनके खिलाफ, बहुत जल्दी दिल्ली की धरती पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, जो सारे यहाँ पे आए हैं, ये जितने भी अफसर हैं, कर्मचारी हैं सरकारी, इनके जो डिपार्टमेंट निजीकरण होता जा रहा है, बिकते जा रहे हैं, ये कहीं आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि निजीकरण होता जा रहा है, आपने देखा कि बैंक के बैंक खत्म कर दिए गए, सिंडिकेट बैंक कल तक था आज बैंक नहीं है, कॉरपोरेशन बैंक कल था आज है नहीं, और जो बचे हुए बैंक हैं उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की एक फाइनेंशियल बैकबोन कही जाती है, जो भारत के बाजार को, शेयर बाजार को ऊपर उठाने का काम करती है, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसका भी IPO आ गया, स्टेट बैंक का भी IPO आ गया। तो सरकार की जो नीति है वो तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र को जितनी तेजी के साथ बेचा जा रहा है, सरकार का ये कदम निश्चित रूप से देश विरोधी भी है
और अनुसूचित जाति जनजाति समाज विरोधी तो है ही। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार के सामने अगर कोई सरकारी क्षेत्र को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो सरकार तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन करे और निजी क्षेत्र में आरक्षण का कानून लाने की पहल करे। सर, आप संविधान दिवस मना रहे हैं, एक तरफ दूसरे धर्म संसदें हो रही हैं संविधान को लेकर, क्या कह रहे हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, यहाँ पर हर जाति का, हर धर्म का, हर विचारधारा का आदमी रहता है। हम किसी की दूसरे की विचारधारा पर रोक तो नहीं लगा सकते, बट हम अपने समाज को आगाह करके, अपने समाज को समझा करके, अपने समाज को इकट्ठा करके, हम अपने समाज के हकों की बात करते रहे हैं और अब भी आगे भी करते रहेंगे। संविधान बदलने की बात करते हैं ना सर? देखिए, अगर वो संविधान बदलने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके टीवी चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां एक चौथाई समाज जो 32 करोड़ आबादी है वो इस देश का मूल निवासी है, आदिवासी है और अम्बेडकरवादी है। किसी भी कीमत पर बाबा साहब के बनाए संविधान को बदलने की इजाजत इस देश का आदिवासी मूल निवासी शुरू का शुरू टाइम नहीं देगा। और अगर ऐसी पहल होगी तो देश के अंदर गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। नई संसद का नाम अम्बेडकर के नाम पर? निश्चित रूप से हमने दो बार प्रस्ताव पास किया है और आज फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि नई संसद का नाम, अगर कोई सबसे उपयुक्त नाम अगर हो सकता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से हो सकता है। और हमारे समाज की, चाहे भारत में रह रहे लोग अम्बेडकरवादी हैं, चाहे विदेशों में रह रहे हैं, सबकी ये पुरजोर मांग है। मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मांग करता हूँ कि हमारे नए संसद का नाम हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर निश्चित रूप से ये होना चाहिए। सर, हमारे देश में हर 15 मिनट में दलित पर अत्याचार होता है। गांव जो है जातिवाद की नर्सरी कहे जाते हैं, लेकिन आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो शहर में कर रहे हैं, गांव का कोई आदमी अपने बुलाए नहीं जो पीड़ित है। देखिए, ये जो महासंघ है, इस महासंघ का जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सर आपसे लोग गाँव के लोगों को कि हमें न्याय मिलेगा? देखिए, आपको मैं अपने बारे में बता दूँ कि गाँव के लोग अक्सर आते हैं, जो टीवी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं, गांव के लोग अक्सर आते हैं। एक गांव का किस्सा मैं बताता हूं कि एक ट्यूबवेल बनी, वो ट्यूबवेल चली नहीं, ब्राह्मणों ने उस ट्यूबवेल को चलने नहीं दिया 2 साल तक। और उसके बाद में ये किस्सा बुलंदशहर गांव का है, और उस गांव के लोग जब मेरे पास आए तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, वो ब्राह्मण था, और मैंने उससे कहा कि ब्राह्मणों की ट्यूबवेल आप चला रहे हो और हमारे समाज की ट्यूबवेल आपने बंद करा रखी है, तो मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि अगले ही दिन हमारे समाज की वो ट्यूबवेल चल पड़ी। इसके अलावा जो भी समाज का व्यक्ति हमारे पास में आता है, ऐसा नहीं है कि हमारा मुख्यालय कनॉट प्लेस में है, बड़ा मुख्यालय 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, पूरे देश और दुनिया के लोग वहाँ अक्सर आते हैं, समाज के गांवों के लोग आते हैं, अपनी बात बताते हैं, उन बातों को हम सुन करके उन पर त्वरित कार्रवाई हमारी होती है और हम हर व्यक्ति के आंसू पूछने का काम करते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची हमारे पास आई, वो थाईलैंड में डांस कम्पिटिशन सेलेक्ट हुई, उसको किराया नहीं था, 65,000 रुपये की आवश्यकता थी, इमीडिएट हमने उसको 65,000 रुपये का टिकट खरीद करके दिया। एक बच्ची IIT में सेलेक्ट हुई, उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, उसको 30,000 रुपया इमीडिएट हमने दिया। तो समाज का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जब भी आता है, हम उसको बैठाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आयोग है बिना दांत का सेर है, इसमें कितनी सच्चाई सर? देखिए, अभी तो आयोग के चेयरमैन ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से बताई हैं। आयोग अपने आप में संवैधानिक पावर उसके पास है और आयोग अपने आप में पूरी तरह सशक्त है। बात इस बात की है कि कौन आदमी चेयर पे बैठा है और कौन आदमी चेयर का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है। लेकिन सांपला जी ने अभी कहा कि हम लोग बिना दांत के नहीं हैं, हमारे पास दांत भी है, पावर भी है और हम अपने समाज के हकों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम। सर, अनुसूचित जो आयोग है उस पर हमेशा से आरोप लगता है कि वो कॉरपोरेट हाउस का जो है कठपुतली बन गया है। देखिए, ये बेहुदा आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे आयोग को बदनाम करने की ये साजिश है। हमारे आयोग में हमारे सारे जो लोग बैठे हैं एक से एक बढ़कर वो काम कर रहे हैं समाज के लिए। हम उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और उनको हम समय समय पर अपना सलाह मशवरा भी देते हैं। जो 4 आदमी इस समय काम कर रहे हैं, चारों के चारों एक से एक बढ़िया है और ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। ये हमारे आयोग को बदनाम करने की साजिश है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।